हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम इस बैम्बू की बास्केट का मेकओवर करेंगे। तो मेरे पास उसके लिए ये एक्रिलिक कलर्स हैं, इसके ऊपर मैं वही करूंगी और उसके बाद इसको मैं एज अ हैंगिंग यूज करूंगी। कैसे भी इसको यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको येलो कलर करूंगी। आज थर्सडे है तो येलो इज माई फेवरेट कलर एंड माई लकी कलर। कलर्स में हल्का हल्का पानी लगा रही हूँ क्योंकि कलर काफी ठीक है। इसको अगर हम डाइल्यूट रखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी तो ये अंदर तक अच्छे से हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। मेरे घर में मैक्सिमम चीजें येलो ही हैं क्योंकि मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी लकी भी है, बृहस्पति भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। तो फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे से पूरी बास्केट को पेंट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने इस बास्केट को येलो कलर कर लिया है। इसके हैंडल को मैं ऊपर से ग्रीन कलर करूंगी। ग्रीन और येलो का कंट्रास्ट अच्छा लगता है। अभी ये हल्का सा गीला है येलो कलर, थोड़ा सा केयरफुली नीचे से पकड़ के करूंगी इसको। अंदर वाली साइड मैंने रफली ही पेंट किया है, बहुत फाइनली नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर फ्लावर्स आ जाएंगे। तो हल्का हल्का मैंने जस्ट येलो शेड देने के लिए रफली ही किया है। उसको सूख लेने देते हैं, उसके बाद सेकंड कोट करेंगे अगर जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, हमारी ये बास्केट जो है इसका पेंट सूख चुका है। अब इसकी इसको एज अ हैंगिंग बनाने के लिए मैं धागा लगाऊंगी और उसके लिए मैं एक ब्रेड बना रही हूँ। इसको ब्रेड के फॉर्म में हम बुनते जाएंगे, फिर इसके ऊपर लगाएंगे। ब्रेड बनाने से ये हो जाएगा कि ये धागा जो है ये थोड़ा मोटा हो जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। तो दोस्तों, हमारी ब्रेड जो है रेडी है। अब हम इसको बांध देंगे इस साइड पे। दोनों कॉर्नर्स को दोनों साइड पे बांध देंगे। तो दोस्तों, हमने दोनों साइड पे इस ब्रेड को बांध लिया है और इसको एज अ हैंगिंग हमने इसको बना लिया है। इसके अंदर हम फ्लावर्स डालेंगे और कहीं जहां आपका मन करे आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इसकी फाइनल लुक।
आप अपने हिसाब से इस बास्केट के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, फ्लावर्स, टेडी, एनीथिंग यू लाइक।